हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, लास्ट इससे पहले आप लोगों ने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, और अगर क्या पता ये आपके ग्रेजुएशन में भी एक सिलेबस में है तो क्या पता आपने इसको पहले पढ़ लिया हो अगर हमारे लेक्चरों में कहीं पे, तो वहाँ पे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से एक चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, इनमें बहुत रिजेंबलेंस है। रिजेंबलेंस कैसे है, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है इक्विलिब्रियम, तो इस इक्विलिब्रियम टर्म को हम समझेंगे, हमारे को काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जानी है। तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब देखिए, आप लोग क्या समझते हैं, हम लोगों को पता है जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए साम्यावस्था, देखिए इसको साम्यावस्था वर्ड भी हमने कहा है ना, हम लोग इसको हिंदी में साम्यावस्था कहते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें रिएक्टेंट है ना, जिन्होंने रिएक्शन करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से बैलेंस की कंडीशन में आ जाती है, उन्हें हमने क्या कहा है, इक्विलिब्रियम की स्टेट या साम्य अवस्था की स्टेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर ऐसे, देखिए जैसे या फिर ये इस तरीके से, और एक रिवर्सिबल वर्ड इसको आपने यूज किया होगा, इसे रिवर्सिबल एरो कहते हैं, कहने का मतलब ये दो डबल डायरेक्शनल है, आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है। ठीक है ना, ये केस कहलाता है साम्यावस्था का केस, जो कि ये बताता है कि ए बी से ए बी बन सकता है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बन सकता है, और इन दोनों से ये बन सकता है। इस तरीके के जो केस हमारे पास आते हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल बताएं तो हैबर विधि से अमोनिया बनाना है ना, ये आपको पता है, हैबर विधि से अमोनिया बनाना में N2 plus 3H2 gives 2NH3, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अमोनिया से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस वापस भी ली जा सकती है। इसी तरीके से PCl3 में क्लोरीन का रिएक्शन करा करके PCl5 हम बनाते हैं, तो PCl5 से PCl3 और Cl2 भी बना सकते हैं। इस तरीके की रिएक्शंस जो आगे पीछे दोनों तरफ चलती हैं, उन रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जब ये हम अभिक्रिया कराते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अभिकर्मक इसे कहते हैं हिंदी में, अभिकर्मक की कंसंट्रेशन मतलब उसकी मात्रा और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की मात्रा, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस की कंडीशन आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, और इस समय रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है। ठीक है, इस समय रिएक्शन एक तरीके से रुक सी जाती है, इस केस में रिएक्शन इस सैचुरेशन को प्राप्त करती है, उसके आगे रिएक्शन नहीं बढ़ती, उसे हमने इक्विलिब्रियम कहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से हमने पहले पढ़ा था, रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम पे हमने पढ़ा था। अब ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयन इन्वॉल्व हो, जहां पे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट आयनिक हो, तो वो उस तरीके की रिएक्शंस आयनिक इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस कहलाती है, ऐसे केसों को हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों। और इसको पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहला टर्म जो आज हमारा है वो है इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, हम इस ज्यादातर बच्चे जो हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उन बच्चों को इस बात की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उन्होंने तो यही चीज़ें पढ़ी होती हैं, मगर उन्होंने पढ़ी होती है हिंदी में, क्या पता इसको हिंदी में कोई चीज़ कहते हैं, है ना। तो आपको अब जो पढ़ना है वो इंग्लिश में टर्म्स को जानते रहना है, चाहे लिखते समय आप इनके लिए हिंदी में मतलब लिख दें, आप अपने उत्तर को हिंदी में लिख दें, मगर आपको टर्म्स अब जो हैं अब वो इंग्लिश में पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप हायर क्लासेस में कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर करेंगे, कहीं पर भी इंटरनेट में भी कोई मटेरियल ढूंढना चाहोगे, तो आपको तो इंग्लिश उसमें लिखनी ही पड़ेगी, इंग्लिश के नाम से ही सर्च कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाता जाता हूँ हिंदी भाषा से पढ़ाऊंगा, मगर उसमें जो भी टर्म्स आएंगे वो हमारे इंग्लिश के आएंगे। तो इक्विलिब्रियम को पढ़ाते समय, आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ाते समय सबसे पहला जो चीज़ हमें जाननी है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि नाम से भी लिखा हुआ है, इसमें दो चीजें हैं बच्चों, एक है इलेक्ट्रो प्लस लाइट, है ना। ये लाइट या लाइसिस, ये जो टर्म है ये लाइट या लाइसिस जिसे कहते हैं लाइसिस, इसका मतलब होता है टूटना, ठीक है ना, इसका मतलब होता है टूटना। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये केस ऐसी स्थिति को बता रहा है, ऐसी कंडीशंस को डिस्कस कर रहा है जब कोई सब्सटेंस टूट करके, जब कोई सब्सटेंस टूट करके इलेक्ट्रिक चार्जेस बनाते हैं, तो ऐसी टूटने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और ये सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। मतलब ए भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। इस बात को आप लोग समझें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद जो हमारे को उत्पाद या प्रोडक्ट मिलता है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस मिलते हैं। इन इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या खास बात है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम कहते हैं कैट आयन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैट आयन। और ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कहते हैं बच्चों एनायन। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट, अब पूरी डेफिनेशन समझ लें, इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट जब किसी विलायक में घोला जाता है, किसी सॉल्वेंट में घोला जाता है, तो वह इलेक्ट्रिक चार्जेस में, आयन्स में टूट जाता है। जिस आयन में पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैट आयन, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं, और इस टूटने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के और इलेक्ट्रोलाइसिस के बच्चों डेफिनेशन आप लोगों को पता हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और आगे देखें तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया जो टूटते हैं, जो घोलने में टूटते हैं, मगर कौन चीज घोलने में टूटती है, इस चीज की जानकारी के लिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको बॉन्डिंग का जरूर होना चाहिए। तो देखिए, टूटेगा वही जिसमें बॉन्ड क्या होंगे, कमजोर होंगे, ठीक है ना। तो हमारे को बॉन्ड पता है, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, ए बी के बीच में दो तरह के बॉन्ड होते हैं बच्चों। एक बॉन्ड तो होता है आयनिक बॉन्ड, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वीक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अक्सर इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी चीजें होंगी जिसमें दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम के बीच में बॉन्ड जो होगा वो किस तरीके का होगा, आयनिक बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये हो जाएगा जब आयनिक बॉन्ड। तो ये ऐसे ये कंपाउंड जो होंगे ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल इसका दे दूंगा, साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते रहेंगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे बहुत अच्छा इसका एक एग्जाम्पल, जो सबसे पहले एग्जाम्पल इसका हम लोगों को देखना चाहिए, वो है NaCl। NaCl मतलब साधारण नमक, जो घरों में हम लोग नमक खाते हैं बच्चों, वो है NaCl। Na में आपको पता है 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 2, 8, 7, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। तो इनका बॉन्ड तो आयनिक बना होता है, मगर ये सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को भी इसको दे देता है ताकि इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, और ये एक जब इसके पास चले जाए तो इनका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जहां होता है, कंप्लीट ट्रांसफर जहां होता है, वहां आयनिक बॉन्ड होते हैं। इसलिए NaCl हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है किस तरह का, इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या, NaCl। मतलब अगर हम NaCl को पानी में घोलेंगे, देखिए घोलने के लिए हमारे को किसी ना किसी सॉल्वेंट की जरूरत है, विलायक की जरूरत है, तो अक्सर ये विलायक जो है हमारे पास वाटर रहेगा। क्यों वाटर रहेगा, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, मगर शुरुआत आप लोगों को ये समझना है कि जो सॉल्वेंट हमारे पास है अमूमन वो क्या है, एक वाटर है, ठीक है। तो वाटर में जब हम NaCl को घोलते हैं, जब हम घर में नमक को लेकर के पानी में घोलते हैं, तो वो घुलना सिंपल घुलने की तरह नहीं है बच्चों, उसमें NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो इस तरीके से इसका कैटायन, सोडियम का कैटायन और क्लोराइड का एन आयन हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में रहता है,
ठीक है ना। तो ये एक बात हमने जो यहाँ पे समझी, हमने ये समझा कि इलेक्ट्रोलाइट को जब किसी विलायक में घोला जाता है तो वो क्या करता है, टूट जाता है। ठीक है, एक बात तो बच्चों ये समझी। और इसके पीछे मैंने आपको जो रीजन बताया, वो रीजन मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है आयनिक बॉन्ड रहता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हल्का बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है, जो कि जैसे ही पानी में जाता है टूट जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसी चीजें इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाती है। और दूसरे केसेस वो जहां पे कि बॉन्ड होता तो कोवेलेंट है। देखिए दूसरा केस क्या हो जाता है हमारे पास, दूसरा केस हो जाता है जब इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में बॉन्ड जो हो कोवेलेंट बॉन्ड हो, है ना। ए और बी के बीच में जो ये बॉन्ड है ये आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बच्चों दो तरीके के होते हैं, हमें पता है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे एग्जांपल अगर बताएं तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया HCl। इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है, ये जो बॉन्ड बना है, ये बना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इनकी साझेदारी से ये बॉन्ड बना है। ठीक है ना, इस केस में बॉन्ड जो बने हैं वो साझेदारी से बने हैं, मगर एक इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच सा लेता है और अपने आप हल्का नेगेटिव और इसको हल्का पॉजिटिव चार्ज कर लेता है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो कि साझेदारी से बनते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें पोलर वाले केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो इनके शेयरिंग से बना हुआ है वो थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि जो मॉलिक्यूल रहता है वो मॉलिक्यूल एक तरीके से हल्का सा चार्ज दिखने लगता है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहें कि एक डाइपोल व्यवस्था बन जाती है, डाइपोलर द्विध्रुव बन जाता है बच्चों। तो ये केस है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। और इसके अलावा दूसरा जो केस कह सकते हैं हम लोग, वो केस ऐसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन का जो जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन पेयर है, ना इसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ जाएगा, ना ही ये इधर जाएगा ना ये इधर आएगा। तो आखिरी में क्या रिजल्ट होगा कि ना तो इसमें कोई डाइपोल बन पाएगा, ना ये टूटने के लिए ज्यादा सक्षम रहेगा। तो इसमें से पोलर वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो अगर मैं अगला एग्जांपल इसका बनाऊं तो आप लोग HCl को भी एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। HCl को जब मैं वाटर में घोलूंगा तो मुझे H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और Cl नेगेटिव मतलब क्लोराइड, ये एक कैटायन और ये एक एनायन, है ना, ये हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, तो वो सारे कंपाउंड जो कि पानी में घोलने पर, अक्सर हमारा सॉल्वेंट यूज क्योंकि पानी है इसलिए हम कह रहे हैं पानी में घोलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरा टर्म इसमें क्या आता है बच्चों, वो आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, जब हमने इलेक्ट्रोलाइट बताया तो हमने कहा घोलने पर वो आयनों में टूट जाते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि घुलेंगे केवल वही जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रोलाइट ही वाटर में घुलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी वाटर में घुलते हैं, मगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो घुलने के बावजूद अपने आयनों में टूटेंगे नहीं। वो क्या होगा, टूटेंगे नहीं, चार्ज नहीं बनाएंगे, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबी को जब वाटर में डाल दिया तो ये तो सॉलिड फॉर्म में था
और ये ए बी एक्वस हो गया, मतलब ये इसमें डिजोल्व हो गया, ये इसमें घुला नहीं। तो इस तरीके के चीजों को जो कि टूटे नहीं, डिसोशिएट नहीं हुए, इनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं दिखाया, टूटे नहीं, है ना। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने घरों का एग्जाम्पल है। देखिए, अभी हमने NaCl को जब वाटर में घोला था तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट था, उससे एक इलेक्ट्रिक चार्जेस बने थे, कैटायन और एनायन बने थे। मगर अगर हम चीनी को लेकर के पानी में बच्चों घोलेंगे तो चीनी का जो पानी में सोल्यूशन बनेगा वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि चीनी घुल तो जाती है मगर वो टूटती नहीं, ठीक है ना। अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल आपको NaCl या फिर HCl दिया, है ना, तो आपको इसके एग्जाम्पल्स में याद रखना है ये शुगर का सोल्यूशन, शुगर जो चीनी हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं उसका जो सोल्यूशन बनता है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अमीनो एसिड्स का सोल्यूशन जो होगा वो भी अक्सर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, वो भी जो है डिजॉल्व होते हैं मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नहीं बनाते, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आपके और हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए कि हमें कैसे पता चला कि NaCl तो इलेक्ट्रोलाइट है और शुगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है। तो इसके बच्चों दो आंसर हैं। एक आंसर जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि जब बॉन्ड हल्का होगा तो वो टूटने लगेगा, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड हल्का है, लूज है, लाइट है तो वो टूट सकेगा। इनके बीच में अगर बॉन्ड लाइट नहीं है तो ये नहीं टूटेगा। एक एग्जाम्पल तो बच्चों इसका ये हो गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल तो इसका ये हो गया, एक एक्सप्लेनेशन तो इसका ये हो गया। और दूसरा एक्सप्लेनेशन इस बात का ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है या ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। तो देखिए, इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सेटअप कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, ये दूसरा सोल्यूशन है। मान लेते हैं एक में हमने NaCl डाला और एक में हमने चीनी डाली, शुगर डाली, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो NaCl का सोल्यूशन है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। जबकि शुगर जो होगा, शुगर जो डाइसैकेराइड जिसे हम कहते हैं, ये जो होगा ये इसमें डिजोल्व तो हो जाएगा मगर टूटेगा नहीं, ठीक है ना, डिजोल्व हो जाएगा मगर टूटेगा नहीं। तो इस कारण ये वाले सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक चार्ज रहेंगे, वहां इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं एक केस ऐसा लेता हूं बच्चों, जब मैं इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाता हूं और ये इलेक्ट्रोड को मैं एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देता हूं, देखिए इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगाए और इलेक्ट्रोड को क्या है, हमने एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो करेगी, जहां चार्ज होंगे। चार्ज किस में है, सॉल्यूशन ए में है, NaCl के सॉल्यूशन में। तो NaCl के सॉल्यूशन में यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और वो इससे पास होने के बाद यहां से आकर के पूरे सर्किट को पूरा कर लेगी, इसलिए ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो जाएगा, जबकि इसमें ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो ये बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट, चाहे तो आप इसको सेटअप भी कर सकते हैं। ऐसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बच्चों डिस्कशन हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से इस बात को याद रखने की जरूरत है कि मैंने कहा है, हमने ये बात देखी है कि हमेशा जो डिसोल्यूशन होता है, वो हमेशा डिसोसिएशन के कारण नहीं होता है ना,
हमने ये पॉइंट यहाँ पे देखा है कि डिसोल्यूशन हमेशा डिसोसिएशन के कारण ही हो, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ डिसोसिएट हो रही है वो भी डिसॉल्व हो सकती है, और जो चीज़ नहीं डिसोसिएट हो रही है वो भी डिसॉल्व हो सकती है। शुगर डिसॉल्व होती है मगर डिसोसिएट नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए डिसोल्यूशन एक अलग कहानी है और डिसोल्यूशन एक अलग कहानी है और डिसोसिएशन एक अलग कहानी है। डिसोसिएशन में आयंस बनते हैं, इसमें आयंस नहीं बनते, मगर दोनों ही केस में सोल्यूशन घुल जाता है, ठीक है। इसका मैं अगर आपको एक कॉन्ट्रोवर्सियल एग्जाम्पल दूँ तो आप BaSO4 को ले सकते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को ले सकते हैं। देखिए ये दोनों के दोनों ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिन्हें जब पानी में डाला जाएगा तो ये टूट करके Ba पॉजिटिव SO4 नेगेटिव 2 है ना, नेगेटिव 2, और ये Ca प्लस 2 CO3 नेगेटिव 2 बनाएंगे पानी में डिसॉल्व करने पे। मगर ये दोनों के दोनों पानी में मिनिमम डिसॉल्व होते हैं, अक्सर डिसॉल्व नहीं होते। देखिए आपने लाइम वाटर देखा होगा, वो तो एक मिल्की सॉल्यूशन होता है, डिसॉल्व तो ना होता है। इसी तरीके से BaSO4 को भी जब आप पानी में डालेंगे तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट होने के बावजूद है ना, इलेक्ट्रोलाइट होने के बावजूद डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए ये इस तरीके ये बात पता चलती है कि डिसॉल्व होना और डिसोसिएशन होना दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ जब डिसोशिएट होगी तभी वो डिसॉल्व होगी, अनडिसोशिएटेड चीज भी डिसॉल्व हो सकती है। ये इसके लिए आपको एक बात समझाई गई है, इस पॉइंट को भी बच्चों आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी हैं जहाँ की डिसॉल्व तो हो रहे हैं मगर बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं हो रहे। ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने शुगर तो देखा ही, अमीनो एसिड हमने देखा ही, हम बहुत सारे फैटी एसिड्स भी देख सकते हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं मगर डिसोशिएट नहीं होते हैं। ये सारे एग्जांपल्स भी बच्चों हमारे इन कैटेगरीज के एग्जांपल्स बन सकते हैं। तो अभी तक जो आपने पाया, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को पहचानना समझा, आपने पता किया कि कैसे हमें पता चलेगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये बच्चों दो कैटेगरी में तोड़े गए हैं पढ़ने के हिसाब से, इन्हें दो कैटेगरीज में तोड़ा गया है। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दो चीजें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए मैंने जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट को याद रखने के लिए बोला लाइट का मतलब टूटना और इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस, उसी बात से आप स्ट्रॉन्ग और वीक को भी कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको सारी के सारी डेफिनेशन खुद ब खुद याद रखने की जरूरत नहीं रह जाएगी, खुद ब खुद याद रहेगी। देखिए ये स्ट्रॉन्ग है ना, क्या चीज है, लाइसिस, टूटने के केस में ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। कहने का मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% टूट जाते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ उस पॉइंट को लिख के भी दिखा रहा हूँ, 100% डिसोसिएट्स, ठीक है ना, या फिर कंप्लीटली आयोनाइज। ये पूरे के पूरा पोर्शन इसका क्या होता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है आपके आयंस में, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर मेरे पास ए बी है तो, और वो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में टूटता है, और इसके केवल 100 मॉलिक्यूल थे हमारे पास शुरू में, तो टूटने के बाद इस, ठीक है ना, थे तो ये टूटने के बाद ये तो जीरो बच जाएंगे, ये तो सारे के सारे टूट चुके होंगे, और 100 इसके और 100 इसके आयंस हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब कंप्लीट जो अमाउंट थी वो अब टूट चुकी है। तो ऐसी केसेस को जहां डिसोसिएशन 100% या कंप्लीट होता है, वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बच्चों, है ना। तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता चल गया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो हम खुद ही समझ जाएंगे। जहां पे डिसोसिएशन क्या होता है, ऐसे बनाया जाएगा जहां पे लेस देन 100% डिसोसिएशन, ठीक है ना, जहां पे डिसोसिएशन होगा 100% से कम होगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे, वहां पे वीक कहेंगे। और दूसरा केस अगर इसको बोले
ये कह सकते हैं हम इसको पार्शियली पार्शियली आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज का मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता तो उसको पार्शियली आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे केसेस वाले जो एग्जांपल आएंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, ठीक है ना। मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, अभी हमने ए बी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना था, तो हम सी डी एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि सी पॉजिटिव और डी नेगेटिव में टूटता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये टूटता तो जरूर है बच्चों, मगर ये 100% नहीं टूटता। अगर मैंने इसको ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब ये तो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो एरो इस तरीके का है, हम इसको ऐसे ना करके ऐसे करते हैं, डबल साइडेड एरो, मतलब ये सीडी जो कि अनडिसोशिएटेड फॉर्म है और सी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव जो कि डिसोशिएटेड फॉर्म है, डिसोशिएटेड है ना, और ये अनडिसोशिएटेड अनडिसोशिएटेड फॉर्म जो है इन दोनों फॉर्म के बीच में रहता है। ये बिल्कुल कंप्लीटली टूटा हुआ भी नहीं रहता है और कंप्लीटली बिना टूटा हुआ भी नहीं रहता है, इन दोनों ही फॉर्म के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ये दुर्लभ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्लभ इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसको अगर फर्दर हम आगे समझना चाहें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जहाँ पे कि बहुत जल्दी से टूट रहा है, जो मॉलिक्यूल बहुत जल्दी से टूट रहा है, जैसे मैंने आपको आयनिक बॉन्ड कहा, जहाँ पे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड होगा वो ज़्यादा जल्दी टूटेंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे बच्चों। और जहाँ पे आयनिक बॉन्ड थोड़ा कम आयनिक बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो केसेस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट के। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है बच्चों बताओ, HCl, देखिए H2SO4 भी इस केस में है, H2SO4 इस केस में है, HI इस केस में है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं, HNO3 करेक्ट, HNO3 भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये बहुत इजीली टूट जाते हैं, जैसे ही इन्हें पानी में डाला जाता है, इजीली नहीं कंप्लीटली टूट जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे इजी वर्ड और टफ वर्ड का यूज नहीं करना, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कंप्लीटली टूट जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेसिस किसको कहेंगे, ऐसे बेस जो कि बहुत इजीली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल अगर हम लोग कहें तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH, KOH, COOH का होल ट्वाइस, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों, हैं मतलब इसके ये एग्जांपल है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल। इसी तरीके से अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बोलूं तो कोई भी वीक एसिड और वीक बेस जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। वीक एसिड और वीक बेस इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा और आगे डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं बाकी पोर्शन को रब कर रहा हूं, आप इस चीज को जरूर नोट डाउन कर लें, इसको मैं रब करूंगा, ठीक है। इसमें हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कहा उसके लिए हमने क्या कहा डेफिनेशन, जहां इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट नहीं होता उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो ये वीक वर्ड जो है इसका मतलब है टूटने में जो कमी है, है ना। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, उसको हम अगेन दो क्लासेस में तोड़ सकते हैं, एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे, अक्सर ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंटली, ये इन्होंने सेट किया है कि जहां पे डिसोसिएशन जो होगा वो लेस देन 20% होगा तो उनको वेरी वीक कह दो, उनको वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कह दो, और जहां पे डिसोसिएशन जो है लेस देन 100% मगर मोर देन 20% होगा बट
मोर देन 20% जहां पे डिसोसिएशन होगा उनको आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कह दो, पार्शियल इलेक्ट्रोलाइट कह दो, ये दोनों इस तरीके से कैटेगराइज कर दिए गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी दो क्लासेस में क्लासिफाई बच्चों कर सकते हो। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको कोट करके दिखा देता हूं, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो कि ज्यादातर आगे केसेस जब हम स्टडी करेंगे वहां पे आपके लिए आता रहेगा, ये है, इसको क्या नाम कहते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड है कोई, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है इसका नाम, ठीक है, एसिटिक एसिड। देखो बच्चों, ये छोटे छोटे जो हम चीजें लिखते जा रहे हैं ना, इन चीजों को आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको ये सब चीजें याद हो गई, ये ऐसे ही हैं जैसे हमारे को एबीसीडी याद करनी होती है। जब तक किसी बच्चे को एबीसीडी याद नहीं है, क्या वो किताब पढ़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता है। तो ये आपके लिए एबीसीडी है केमिस्ट्री में। आप जिस दिन ये सारी चीजें एकदम से पहचान पाओगे, इनका नाम ले लोगे, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी, ये बहुत सारे फिनोमेना आपको खुद ब खुद आने लगेंगे। देखिए, एसिटिक एसिड जो हमने बताया, ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड है ना। वीक एसिड का मतलब जब इसको वाटर में डाला जाता है तो ये वाटर में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। वैसे तो ये एसिटेट आयन और प्रोटॉन में टूटता है, मगर ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, नॉट 100% डिसोशिएट्स, है ना। तो इसलिए ये एक वीक एसिड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, मैंने इसमें ये डबल साइड एरो लगाया है। इन डबल साइड एरो का मतलब इसकी ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म और ये डिसोशिएटेड फॉर्म, ये दोनों की दोनों फॉर्म क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, एक साथ एग्जिस्ट करती है जब इसको डिसॉल्व किया जाता है। हालांकि ये जो डिसोशिएटेड फॉर्म रहती है ये कम और अनडिसोशिएटेड फॉर्म ज्यादा रहती है, इसलिए ये एक वीक एसिड है, ठीक है। ये क्योंकि ये वाली फॉर्म ज्यादा रहती है और ये बहुत कम रहती है, मतलब कुछ ही अमाउंट इसकी टूटती है, ज्यादातर अमाउंट इसकी नहीं टूटती, इसलिए ये क्या होता है, ये एक इस फॉर्म में ज्यादा रहता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में ज्यादा रहता है, इसलिए हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इतनी बातें हमारे को समझनी है बच्चों इसमें, ठीक है। अब हम इसको आगे बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई ये वीक, अब ये वीक है ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, हमें पता चल गया कि ये वीक है। वैसे तो इस बात को भी कैसे पता लगाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो देखिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनके लिए, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इनका होगा डिसोसिएशन का। देखिए डिसोसिएशन का डिफरेंस होगा, यहां पे डिसोसिएशन होगा 100% और यहां पे लेस देन 100%, ठीक है। ये बात तो हमें थ्योरेटिकली पता है, मगर इस चीज को प्रूफ करने के लिए, इस चीज को बेस बनाने के लिए एक नया टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या फिर जो केमिकल काइनेटिक में डिसोसिएशन के नाम से थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक नया टर्म इन्होंने निकाला है जिसका नाम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो अगर मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल जाए, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बच्चों, मैं बता सकता हूं कि मेरा ये इलेक्ट्रोलाइट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। कैसे, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर अल्फा 1 है मतलब डिसोसिएशन कंप्लीट है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और अगर अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1, तो ये केस किसका आ जाएगा बच्चों, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का आ जाएगा, ठीक है ना। एक से कम जब अल्फा की वैल्यू होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, तो इसका मतलब है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो जाएगा जब अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा। इसको, इस बात को आपने समझा।
अब मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो एक बार के लिए रिमूव कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी वेरी वीक और वीक दो कैटेगरीज बनाई, है ना, जिसमें हमने कहा कि 20% से कम होगा तो हमने इसको वेरी वीक बोला, इसको 20 से ज़्यादा मगर 100% से कम, तो ये सब चीज़ें तो हमने बनाई हैं इसमें। तो अल्फा की वैल्यू इसके लिए थोड़ी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी मगर एक से कम होगी, और इसके लिए बहुत कम वैल्यू होगी। तो ऐसे करके हम वीक या वेरी वीक बना सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई ये कम है, ये तो बहुत ही कम है, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, है ना। ऐसे हम लोग इस अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वीक है या वेरी वीक है, और अगर अल्फा किसी केस में बना जाए तो वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो ऐसे भी हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझने के बाद अब मुझे ये बताएं कि ये जो हमने एसिटिक एसिड लिया, चूंकि ये वीक एसिड है तो हमें कैसे पता चला कि ये वीक एसिड है, इसमें अल्फा की वैल्यू जो है एक नहीं आई। देखिए एक से ज्यादा तो अल्फा आ ही नहीं सकता, एक आ सकता है या एक से कम आ सकता है, तो ये एक नहीं आई, वन के बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब अगर ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी, देखिए मान लेते हैं पहले इस शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन सी थी एसिटिक एसिड की, तो शुरू में ये बिल्कुल 0-0 कंसंट्रेशन इन दोनों आयंस की थी, ठीक है। ये है हमारा केस जब T=0 है, जबकि कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। अब दूसरा केस हमारा क्या आया, कुछ देर पानी में रखने के बाद आधा घंटा एक घंटे बाद जब हमने देखा तो कुछ अमाउंट इसमें से टूट गई और वो आयन बन गई, तो कितनी अमाउंट टूटी, सी अल्फा, देखिए इतनी अमाउंट टूटी, अल्फा हमने क्या कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इतनी अमाउंट टूट गई तो इतनी इसमें बच गई, इतनी इसकी अमाउंट बच गई और इतनी ये बन गई, सेम अमाउंट इसकी भी बन गई। देखिए सी अल्फा दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इसका टूटेगा तो एक ही इसका भी बनेगा और एक ही उसका भी बनेगा, सी अल्फा इसका टूटे होंगे तो सी अल्फा इसके भी बने होंगे, सी अल्फा इसके भी बने होंगे, इसलिए ये समीकरण जो है बिल्कुल ठीक जा रही है अभी तक, है ना। अब इसके बाद आप देखें, आप केमिकल इक्विलिब्रियम के केस से जानते हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन एक लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगी, क्या करेगी, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों क्या कहता है कि जो कांस्टेंट होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी इक्विलिब्रियम के रिएक्शन के लिए, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, मतलब आयन जो ये हमने बनाए हैं CH3COO- और प्रोटॉन, इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, मतलब मल्टीपल के, है ना, और डिवाइडेड बाय ये जो रिएक्टेंट है ये CH3COOH इसके बराबर होगा। ये हमारे पास एक केमिकल एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन से, ये हमें पता है बच्चों, ठीक है ना, इतनी बात हम लोग जानते हैं यहां से। तो इस बात को जानने के बाद अब हम यहाँ पे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज फिट कर सकते हैं, देखिए ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या हो गई, देखें सी अल्फा की वैल्यू, ये सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव मतलब एसिटेट आयन को तो सी अल्फा है ना, इसकी कंसंट्रेशन तो ये है सी अल्फा, और इस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन भी सी अल्फा है, तो ये सी अल्फा हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या है, देखिए इसका क्या है सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, ठीक है, सी माइनस सी अल्फा है, यहां से मैंने देखिए सी कॉमन ले लिया, यहां से मैंने सी कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस अल्फा और ये सी आया, सी से हमने एक सी को उड़ा दिया, देखो क्या हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया, ये केस यहां से कन्वर्ट किस चीज में हो गया, देखें यहां से ये के इक्वल्स टू क्या बन गया, के इक्वल्स टू यहां से बच्चों बन गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब आप यहां से इस पूरे फिगर को हटा करके ये फिगर में पहुंच गए, इस इक्वेशन में पहुंच गए, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों कि ये जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री वीक होगी कम होगी, अगर ये बहुत कम है, अगर ये वेरी वीक एसिड है या
वीक एसिड्स, काफी वीक एसिड है, तो ये अल्फा की वैल्यू जो होगी बच्चों, ये अल्फा जो होगा वन से बहुत छोटा होगा, है ना, ये वन से बहुत छोटा होगा, तो वन माइनस अल्फा भी वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम इसको सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन भी लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने बोला अगर अल्फा वीक एसिड है तो डिसोसिएशन की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वन से कम होगी, क्योंकि वन तो वो किस केस में होती है, स्ट्रॉन्ग के केस में। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो वन यहाँ से ये कट जाता ना, तो ये यहाँ पे वन माइनस अल्फा जो होगा वन के ही बराबर होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। अब मैंने अगर उसको हटा दिया तो मेरे पास इक्वेशन ऐसी बन गई, जहां से अगर मैं अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू निकालूं तो ये के अपॉन सी है, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन सी। ये हमारा बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जो है एक हमारे पास फॉर्मूला एक आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने किया है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है या फिर इससे क्या चीजें पता चल रही हैं, उस चीज को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको ये देखना है कि यहां से कैसे हम लोगों ने ये चीज ड्राइव किए।